हो गया। नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं आध्या के लिए लंच बनाना शुरू करती हूँ और फिर हस्बैंड जो लंच लेकर जाएंगे फिर उनके लिए अलग से बनाती हूँ और फिर वो साथ में ब्रेकफास्ट भी करके जाते हैं घर से, वो भी मुझे बनाना पड़ता है। आश्वी को मैं हल्का पुल्का स्नैक्स दे देती हूँ और स्कूल में लंच देते हैं उसको, पर वो खाती नहीं है, वो घर में आने के बाद ही मैं उसको खिलाती हूँ। जिस टाइम पे मैं खाना खाने बैठती हूँ वही एक ऐसा टाइम होता है जब मेरे पैरों को थोड़ी बहुत रेस्ट मिलती है, वो भी 5-10 मिनट के लिए। जब तक बच्चे घर में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि घर में कोई है, उनके चिल्लाने उनके खेलने की आवाज़ से घर पूरा हमेशा गूंजता रहता है मेरा। और यहाँ तो आसपास के घरों में भी कोई आवाज़ नहीं होती, सब एकदम शांत। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ हमारे बच्चे ही इतना आवाज़ करते हैं। और यहाँ वैसे भी गाड़ियों में हॉर्न बजाना भी अलाउड नहीं होता, तो इसीलिए गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ भी आपको यहाँ सुनाई नहीं देगी। बस इमरजेंसी व्हीकल जैसे कि एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड जब जाती हैं तो तब वो हॉर्न बजा कर जाती हैं और बस वही एक आवाज़ होती है जो हमें सुनाई देती है। परसों अपने जितने भी जैकेट्स हैं सभी के वॉश किया मैंने, बच्चे भी स्कूल में पतली जैकेट्स पहनकर ही जा रहे हैं अभी, तो इसीलिए मैंने क्या किया जो जैकेट्स थे वो मैंने वॉश कर दिया। तो जैसे ही वॉश किया तो बस वेदर फिर से चेंज, गर्म पड़ती है बहुत ज़्यादा तो कभी बहुत ठंड हो जाती है। सुना कि फिर से बारिश की प्रेडिक्शन है तो वही एक चिंता है। अब फिर से घर में फिर भी चलो एक्स्ट्रा मेरे आशवी का कोट था अलग से, तो वो मैंने वॉश नहीं किया क्योंकि कोट वगैरह क्या होता है वॉश करने से ना ख़राब हो जाती हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ड्राई क्लीनिंग से ही साफ़ होती है। क्लीनिंग तो मैं नहीं करवाई, उसका कोट पहन कर गई है आशवी, तो वही थैंक गॉड सारे मैंने वॉश कर दिए थे तो एक कोट बचा था। और साथ में 32 डिग्री हीट जो मैंने कॉस्को से ख़रीदा था वो पूरी ठंड उसने वही पहना, वही पहन के दोनों जाते हैं और ऊपर से फिर जैकेट पहनते हैं। चलिए वेदर का यहाँ वेदर ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। और आज थर्सडे भी है और मुझे फिर अभी पूजा भी करना है, फिर बच्चों को पिकअप करने के लिए स्कूल जाना है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं दिन के टाइम सारा खाना बनाकर तैयार कर लूँ क्योंकि शाम के टाइम मुझे और कुछ करने का मन भी नहीं होता। और दूसरी बात ये भी है कि आशवी को मुझे पढ़ाना होता है, उसको पढ़ा लेती हूँ, पूजा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सीधे रोटी बनाने, शाम की जो मेरी किचन की ड्यूटी है वो है रोटी बनाना। आज सुबह वो बहुत जल्दी निकल गए, गाड़ी सर्विसिंग करवाना है उनको, तो मैंने उनको टिफ़िन में खाना पैक कर दिया है तो वो ऑफिस में बैठकर खा लेंगे। आज लंच वो लेकर नहीं गए क्योंकि बहुत हड़बड़ी थी उन्हें। अब कार तो सर्विसिंग के लिए गई है तो बूस्टर सीट जो है वो उन्होंने निकाल कर यहाँ सोफे पे रख दिया। यहाँ बच्चों के एज और हाइट के हिसाब से ये बूस्टर सीट होती हैं। जैसे कोई बच्चा अगर उसकी एज 2 साल से भी कम है और अगर अंडर 40 पाउंड्स उसकी वेट है और हाइट जो है अगर अंडर 3 फीट 4 इंचेस है तो उसे रियर फेसिंग बूस्टर सीट में बैठनी पड़ती है। लेकिन जिन बच्चों की एज 8 ईयर्स से भी कम है और हाइट 4 फीट 9 इंचेस से भी कम है तो उन्हें रियर सीट में इस तरह की बूस्टर सीट की ज़रूरत होती है। और आशवी की जो हाइट है वो 4 फीट 9 इंचेस से भी कम है और इसीलिए उसे इस तरह की बूस्टर सीट की ज़रूरत होती है। बूस्टर सीट यहाँ मैंडेटरी है बच्चों के लिए उनके हाइट और उनके एज के हिसाब से। काफ़ी दिन हो गए मुझे अपना सनग्लास ही नहीं मिल रहा था तो ये गाड़ी के अंदर थी, आज ये निकाल कर गए सामान। बहुत अच्छी लगती है सुबह जिस दिन जल्दी पूजा हो जाती है,
इस कलश में मैं पानी भरकर एंट्री में रख देती हूँ और घर से निकलते वक्त इसको देखकर निकलना शुभ माना जाता है। और मैं तो उड़ीसा में पली बड़ी हूँ, तो मैं वहाँ लोगों को देखती थी इस तरह से घर के बाहर कलश रखते हुए और उसमें पानी रख के फिर उसमें एक फूल देते थे, तो वही मेरी एक आदत होगी। मैं शादी से पहले भी अपने घर में कलश में इस तरह से फूल और पानी रखा करती थी और अभी भी शादी के बाद मैं इस चीज़ को करती हूँ। आज लंच के लिए मैं कड़ी चावल बना रही हूँ। कुछ दिनों से मार्केट में पता नहीं कड़ी पत्ता एकदम आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। मुझे कड़ी पत्ते की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि मैं तो घर में बहुत ज़्यादा साउथ इंडियन डिश वगैरह बनाती हूँ ना, और कड़ी पत्ते के बिना तो साउथ इंडियन डिश तो अधूरा है ना। और कड़ी भी मुझे आज बिना कड़ी पत्ते के बनाना पड़ेगा। अजीब सा लगेगा टेस्ट, पर क्या कर सकते हैं, खाने का बहुत मन है, चलो ऐसे ही बना लेते हैं। बहुत बार मार्केट में जाकर पता करने की कोशिश की है कि कड़ी पत्ते का पेड़ कहाँ मिलता है। कई जगहों पर मैंने देखा कड़ी पत्ते का छोटा छोटा पौधा मिलता है, जैसे इंडिया बाज़ार में मिल जाती है, फिर यहाँ अपना बाज़ार भी है उधर भी मिल जाती है, पर वो काफ़ी महंगी आती है तो इसीलिए मैंने कभी नहीं खरीदा। चलिए पकोड़े वगैरह तो मैंने तल लिए, अभी मैं तेल में थोड़ा सा हींग, सरसों, कड़ी पत्ता तो नहीं है तो सूखी लाल मिर्च, और मैं ना साथ में कड़ी में थोड़ा ज़्यादा साबुत धनिया भी कूट कर दे देती हूँ और थोड़ा सा मेथी, बस ये सब दे दिया मैंने। फिर प्याज जैसे ही अच्छे से फ्राई हो जाए उसमें मैं अदरक थोड़ा सा ग्रेट करके मिला देती हूँ। दही को मैंने अभी अच्छे से मिक्सर में चला लिया और इसमें मिला दिया, और अभी तो दही मिलाने के बाद इसको काफ़ी देर अच्छे से चलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दही फट जाएगी। घर में प्लांट्स लगाना, अच्छे अच्छे फूल लगाना किसे ना पसंद है, और ये प्लांट्स इतनी महंगी आती हैं कि अगर मैं किसी कारण से उसको मेंटेन ना कर पाई तो सारी प्लांट्स मर जाएंगी। कड़ी तो तैयार हो गई है, अभी मैं वो पकौड़ी सारे मिला दूंगी जो मैंने फ्राई करके अलग से रखे थे। और जो ख़ास चीज़ मैं कड़ी में मिलाती हूँ और उससे उसकी टेस्ट और भी अच्छी हो जाती है, वो है थोड़ी सी कसूरी मेथी, और धनिया पत्ता अगर आपके पास है तो वो भी आप मिला सकते हैं। और खाना जैसे ही बन जाती है मैं साथ ही साथ किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे अपना लंच भी कंप्लीट करना होता है। तो ये गैस वगैरह मैं साफ़ कर ले रही हूँ, और जो सबसे मेरा खाना बनाते वक्त जो चीज़ मेरी सबसे ज़्यादा गंदी होती है वो है ये चिमनी। काफ़ी ऑयली हो जाती है क्योंकि ये तो एकदम ओपन चिमनी है, ये चिमनी काफ़ी पुरानी है क्योंकि ये घर भी काफ़ी पुराना है। इसमें आजकल की मॉडर्न चिमनीज जैसी एडवांस कोई फीचर्स भी नहीं है, तो ये कम्प्लीटली हाथ से क्लीन करना पड़ता है। और मेरा जो बैक का एरिया आप देख रहे हैं वॉल का, वो तो वुडन की है, वो भी काफ़ी ऑयली हो जाती है। देखिए अगर वॉल में टाइल्स वगैरह लगी होती हैं तो वो क्लीन करना बहुत आसान होता है, बहुत अच्छे से फटाफट साफ़ भी हो जाती हैं। और हालांकि ये तो पूरी वुडन है वॉल, तो इससे ये पूरी ऑयली हो जाती है और इसको साफ़ करने में भी काफ़ी वक्त लग जाता है मुझे। काम तो पूरा हो गया, सब कुछ रेडी हो गया, अभी लंच भी कंप्लीट कर लिया, अभी जो नेक्स्ट काम है वो है बच्चों को पिकअप करने जाना। अभी हाफ एन आवर बाकी है तो सोचा तब तक 5-10 मिनट रेस्ट कर लूँ। ऑफिस इनको 3 डेज जाना पड़ता है, तो बाकी के रेस्ट जो 4 दिन है वो मुझे लाना पड़ता है बच्चों को। ड्राइविंग मुझे टेस्ट अभी देना है, तो ड्राइविंग के लिए तैयारियां कर रही हूँ। कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कार ड्राइव करने के लिए, और सबसे बड़ी बात कैलिफोर्निया में ड्राइविंग रूल्स जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको हर एक रूल्स को A to Z फॉलो करके यहाँ चलना पड़ेगा, आप किसी भी हालत में रूल्स यहाँ ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप ड्राइव करना चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप बस गाड़ी किसी से सीख लिया और साथ ही साथ गाड़ी चलाने लग गए, ऐसा नहीं है यहाँ में। यहाँ में सबसे पहले कैलिफोर्निया में एक रिटन टेस्ट अपीयर करना पड़ता है, DMV रिटन टेस्ट। तो उस रिटन टेस्ट में 3 अटेम्प्ट्स होते हैं, तो DMV का एक अलग से बुक आता है जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं ड्राइविंग से रिलेटेड। उस बुक को पूरा थॉरोली आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको
फिर जाके एक टेस्ट अपीयर करना पड़ता है, रिटन टेस्ट। 3 अटेम्प्ट्स में अगर आप पास हो गए, सही, सब कुछ सही रहेगा, तब तो ठीक है। और अगर आप किसी कारण से नहीं पास हुए तो वो गया, फिर आप पास होंगे, फिर आएगी आपकी बारी बिहाइंड द व्हील की। अगर आप रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया तभी आपकी बिहाइंड द व्हील होगी। और बिहाइंड द व्हील में भी 3 अटेम्प्ट्स होते हैं। आप यहाँ में, जैसे मैंने आपको कहा, रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं। सपोज़ जहाँ रुकना है आपको, मीन्स वहाँ आपको एनी हाउ रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत हड़बड़ी में हैं, चलो हम अभी इस यहाँ पे नहीं रुकेंगे। अगर आपको रुकने का रूल है तो उस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ में एनी हाउ आपको उस जगह पर रुकना पड़ेगा। और अगर आपने किसी भी हाल से रूल को ब्रेक किया तो आइदर आपको फाइन हो जाएगी, बहुत लंबी चौड़ी फाइन, और या तो फिर आप जेल जा सकते हैं। एक सिस्टम को फॉलो करके यहाँ की जो ट्रैफिक है वो चलती है, तो उस रूल को अगर किसी ने ब्रेक किया, पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। और अगर पेनल्टी नहीं भरनी पड़ी किसी कारण से, तो उस इंसान को एक्सीडेंट का सामना कर सकता है। मेरा मतलब है कि एक्सीडेंट हो, वो शायद सीवियर भी हो सकती है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसा है, तो ये सब सुनते हुए ना थोड़ा बहुत एक डर सा लगता है। जैसे कि मुझे 4-व्हीलर चलाने की मुझे आदत कभी भी नहीं थी, मैंने इंडिया में भी कभी 4-व्हीलर नहीं चलाया। मैंने जो चलाया है 2-व्हीलर, जो स्कूटी थी इंडिया में वो मैं चलाती थी, लेकिन 4-व्हीलर मैंने नहीं चलाया। यहाँ में एनी हाउ हर एक को ड्राइविंग जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे कुछ कहने में कोई बुराई नहीं लगती ये चीज़ कि मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ। मैं इतनी जल्दी किसी चीज़ को लर्न नहीं कर पाती, मुझे वक्त लगता है। इतनी आसानी से मैं कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाती। यहाँ में इस रूल्स वगैरह को देखने से ना मुझे लगता है कहीं अगर मैं किसी भी कारण से मुझसे गलती हो गई तो वो बहुत भारी पड़ जाएगी। पहले भी शायद अपने वीडियोस में मैंने कहा था, शेयर किया था, यहाँ बच्चे ना डिफरेंट कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कि उनको स्कूलिंग के बाद जब वो कॉलेज में एडमिशन मिले उनको, तो उनका कॉलेज एडमिशन प्रोसेस जो है वो आसान हो जाए उसके लिए। क्योंकि यहाँ कॉलेज एडमिशन सिर्फ एकेडमिक्स के बेसिस पर नहीं लेते, उनके एकेडमिकली अच्छा करने के साथ साथ उनको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शो करना पड़ता है कि क्या क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ किए हैं। तो इसके ऊपर तो मैंने आपसे पहले भी अपने वीडियोस में शेयर किया है, तो अलग से मैं और नहीं बोल रही हूँ। तो उन एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ को करवाने के लिए भी एक डिपेंडेंसी हो जाती है यहाँ में। किसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इनरोल करवाना मतलब तो सब कुछ डिपेंडेंसी उनके पापा के ऊपर आ जाती है। यही एक मुश्किल है, यहाँ लाइफ तो बहुत टफ होती है। हर एक चीज़ मतलब A to Z आपको मैनेज करना होता है। तो कोई एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में एडमिशन करवाते हैं तो आपको बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, फिर लाना पड़ेगा, ये चीज़ फिर उसके पापा को ही करना पड़ेगा। इनमें बहुत ठंड रहती है यहाँ में, गर्मियों में काफ़ी गर्मी भी रहती है यहाँ में। आप बाहर निकलेंगे ना तो आपको बहुत गर्मी लगेगी गर्मियों के सीज़न में, तो फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा घर के काम ख़त्म करके फिर बच्चों को लाना, वॉक करके वो भी जाना इतने दूर, थोड़ा टफ़ हो जाता है मेरे लिए भी। स्कूल में बैंगलोर में जब हम थे तो इस चीज़ की हमें कोई परेशानी नहीं होती थी कि बच्चों को हमें लाना पड़ेगा। बच्चे आराम से स्कूल बस में ही चले जाते थे, जब छुट्टी होती थी उसी में फिर वो लोग आ जाते थे, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं थी। यहाँ लाइफ ऐसी ही है, फ्री खरीदने से लेकर, सब्ज़ी खरीदने से लेकर, घर के काम, यहाँ तक कि बच्चों को लाना फिर छोड़ना किसी भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही हो क्यों ना, या तो फिर स्कूल में ड्रॉप करना, जिस चीज़ को भी आप बोल वो सब खुद करना पड़ता है। देखिए बीच बीच में थोड़ा डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ मैं भी, सारा काम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहाँ में डेली लाइफ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। खैर,
वो तो मैं आपसे सब कुछ थोड़ा थोड़ा अपने वीडियोस में शेयर करने की कोशिश करती ही हूँ। चलिए तो फिर मैं भी तैयार होती हूँ, बच्चों को लाना है मुझे। आशा करती हूँ आज का जो ब्लॉग है वो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।